नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में हुई 3.5 घंटे की बैठक के कुछ दिन बाद अब जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। नेताओं ने पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक के नतीजों पर निराशा जाहिर की है। सोमवार को गठबंधन की तरफ से पहली बार उस बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। यही नहीं, 24 जून की बैठक को गठबंधन के ज्यादातर नेताओं की तरफ से सकारात्मक बताने के बाद आज इसके नतीजे पर निराशा भी जता दी गई। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता और CPIM नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि रविवार शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन उपाध्यक्ष और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, CPIM नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हसनैन मसूदी, पीपल्स मूवमेंट के प्रमुख जावेद मुस्तफ़ा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद शाह ने भाग लिया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से पहली बार सार्वजनिक बयान जारी कर कहा गया कि वहां विधानसभा चुनाव करवाने से पहले केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। PAGD की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जहां तक राज्य का दर्जा बहाली का सवाल है, संसद के अंदर BJP का ये वादा है और उन्हें अपने शब्दों का निश्चित तौर पर सम्मान करना चाहिए। विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद ही होना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र की BJP सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा यानी कि आर्टिकल 370 छीनने के साथ ही राज्य का दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।